हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो में अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स कितने तरह के होते हैं और उनके नेम, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही हम उनकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बच्चों फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट जो सीमित है, जो काउंटेबल है, जिसे फाइनाइट हम एक लिमिट में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया था एक सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स ए ई आई ओ यू। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्लियर? अगर किसी सेट के एलिमेंट्स गिने जा सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। गिने जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो छोटा सा होना चाहिए, 5 हो, 10 हो, 15 हो। हम कह दें कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 लैक। समझे मेरी बात को? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 लैक। 1 लैक तो उसमें आएगा नहीं भाई, लेकिन जब हम उस सेट को बनाएंगे, सपोज मैं उस सेट को बी नाम दे दूं, तो मैं कहाँ से शुरू करूँगी? 1, 2, 3, 4, 5 एंड आई विल गो अप टू 1 लैक। से आप एक नीचे ले आइए, 99,999। तो आप इजीली बता सकते हैं कि इस सेट में 99,999 एलिमेंट्स इस सेट में हैं। मींस हम इन्हें गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट ही कहलाएगा। वैसे इस तरह के थोड़े एग्जांपल्स रेयरली आते हैं, बट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि फाइनाइट से मतलब क्या है, कि विच कैन बी काउंटेड, जो सीमित हों। तो और एग्जांपल्स हम एक दो ले लेते हैं भाई। फर्स्ट सेट ऑफ ऑल कंट्रीज इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब काउंटेबल हैं। ओके, या सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, या सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा एंड सो ऑन। इस तरह के जितने भी सेट है वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई? फाइनाइट सेट। क्लियर? सेकंड हमारा आ जाता है फाइनाइट से बिल्कुल अपोजिट इनफाइनाइट सेट्स। भाई नाम से ही पता लग रहा है, इनफाइनाइट, जिन सेट्स के एलिमेंट्स काउंट ना हो सके। इफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं भाई, ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट शब्द कोई नया नहीं है, असीमित, अनंत, जो गिना ना जा सके वो इनफाइनाइट। और ऐसे एग्जांपल्स हम अपने लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल n, n मींस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 काउंटेबल नहीं है, गिन नहीं सकते आप इनको, तो ये इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल। सेट ऑफ इंटीजर्स भी हमारा काउंटेबल नहीं है, फाइनाइट नहीं है। आर यानी कि भाई सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो ये सब इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल हैं। देखिए डेफिनेशंस वगैरह रेयरली ही आती, कभी आती नहीं है। एग्जाम पर्पज से भी मैं आपको हर टॉपिक को क्लियर करते चलती हूँ कि आपको जो है न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिनको आपने सेट को समझना है, एंड द क्वेश्चन विल बी ऑफ द टाइप कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये बताएं कि दिए गए सेट फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट, बस इतना सा आपने बताना है। तो उस सेट को आपने अंडरस्टैंड करना है और ये देखना है कि अगर एलिमेंट्स काउंट हो रहे हैं फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सेट है, उस सेट के एलिमेंट्स काउंट नहीं हो रहे तो वो इनफाइनाइट सेट है। नंबर 3 पे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन जो बन रहा है वो सिंगल से बन रहा है, और सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल मेरे लास्ट लेक्चर में किसी में आ भी चुका है। और जिस सेट में द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट,
ए सेट, अंडरस्टैंड, ए सेट हैविंग और कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, वन या सिंगल एलिमेंट, क्लियर, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, समझे। फोर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, जो नंबर प्राइम भी हो और इवन भी हो। अगर मैं इस सेट को x नाम देती हूँ तो 2 इज द ओनली एलिमेंट, 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम बोथ। तो दिस सेट इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। और वी कैन टेक एज सपोज y ले लिया मैंने कोई सेट x, ये हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और x इज ए नेचुरल नंबर एंड 5 इज लेस देन x इज लेस देन 7, समझेंगे मेरी बात को, कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 और 7 के बीच है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 7। तो 5 और 7 के बीच में ध्यान देंगे देयर इज ओनली वन नेचुरल नंबर और वो क्या है भाई 6 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट। इसके बाद हमारी जो फोर्थ फॉर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से ही हमें पता लग जाता है लेकिन इसको लिखने में कई बार गलती हो जाती है, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट, तीनों ही लैंग्वेज का एक ही मतलब है। एम्प्टी मीन्स खाली, वॉइड बकवास या बिल्कुल खाली जिसमें कुछ नहीं है, और नल मीन्स भी खाली, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल ए ले लिया मैंने, और देखिए लास्ट एग्जाम्पल की तरह मैं ले रही हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे, एक्स, x is a natural number and 5 is less than x is less than 6, x जो है वो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है और natural है, बात को समझेंगे ध्यान से, 5 से बड़े और 6 से छोटे हमारे पास infinite rational number तो मिल जाएंगे भाई, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 and so on, but 5 और 6 के बीच में you will not get एनी नेचुरल नंबर। तो इस सेट को जब हम बनाएंगे तो ये अंदर से खाली होगा, इसके अंदर लिखने के लिए हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये एम्प्टी सेट है, ओके। अब एम्प्टी सेट की हम नोटेशन की बात करते हैं कि एम्प्टी सेट इज रिटन एज, ये बात बड़ी ध्यान देने की है, आइदर दिस और दिस, या तो ऐसे लिख देते हैं भाई करली ब्रैकेट लगाई अंदर से खाली छोड़ दिया, अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और फाई, ये सिंबल हमारा फाई कहलाता है, तो अगर हम फाई लिख रहे हैं तो भी एम्प्टी है। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने इस ब्रैकेट में फाई को लिख दिया तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये तो एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि फाई इस सेट के अंदर आ गया, फाई इस सेट का पार्ट हो गया, फाई इस सेट का एलिमेंट हो गया, तो जब इसके अंदर ये एक एलिमेंट आ गया तो हाउ इट कैन बी एम्प्टी, समझ आ रही बात बच्चों, ये एम्प्टी नहीं कहलाएगा। तो या तो दोनों ही नोटेशन, देखिए एक बच्चे के दो नाम हो सकते हैं, और आप में से मोस्टली सभी बच्चों के दो नाम होंगे, मेरे भी दो नाम है, तो या तो हम इसको लिखेंगे या इसको, क्लियर बात समझ आ रही, इसको इसके अंदर लिख दिया तो डबलिंग हो जाएगी, ये सेट का एलिमेंट बन जाएगा। तो ये आपने बड़ा, मैं इस पर स्टार लगा देती हूँ, आपने इसको स्पेशली ध्यान रखना है, तो ये है आपका एम्प्टी सेट, ओके। हम जल्दी से इन सब का एक एक एग्जांपल्स देखेंगे फटाफट से, और फिर आप इनके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, अभी एक दो टाइप और रह रही हैं सेट्स की, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ओके, ऑफ सेट्स,
एग्जाम्पल नंबर 4। और क्या कहता है भैया एग्जाम्पल कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन एंड विच आर नल सेट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स। कहने का मतलब क्या है कि यू आर गिवन सम पार्ट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वन इज सिंगलटन एंड विच वन इज नल सेट। आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और उनमें आपने ये रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा सेट उनमें से सिंगलटन है और भाई कौन सा सेट उनमें से नल सेट है। ओके, तो हम देखते हैं पार्ट नंबर 1। ए इज इक्वल टू एक्स, 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल लिया, मैंने 5 और 6 लिया था। नेचुरल नंबर जो 3 से बड़ा और 4 से छोटा हो, भाई 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई नहीं होता, तो ये कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। क्लियर। कम टू द सेकेंड पार्ट बी। देखिए दिखने में बड़ा इजी लगता है सेट का चैप्टर, लेकिन जब आप इसकी डेप्थ क्लियर नहीं होगी तो आप बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे। आपका सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन भी इसी पर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी इसी पर बेस्ड है, प्लस टू में आपका सारा रिलेशन एंड फंक्शन इसी पर आता है, कैलकुलस मोस्टली इस पर बेस्ड है हमारा। एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। वो एक्स जो नेचुरल हैं और जिनका स्क्वेयर 9 है, तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है भाई जिसका स्क्वेयर 9 होता है। वैसे तो देखिए 3 का स्क्वेयर भी 9 होता है और -3 का स्क्वेयर भी 9 होता है, लेकिन जो -3 है वो तो नेचुरल नहीं है। तो हमने ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वेयर 9 हो और भाई जो नेचुरल हो। तो वो केवल और केवल कौन सा एलिमेंट है, 3। और जब इस सेट में एक ही एलिमेंट आया तो ये किस टाइप का सेट हो गया, सिंगलटन सेट। है ना इजी सा भाई, बिल्कुल, बस आपको थोड़ा मैथ पे कमांड होनी चाहिए। सी पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ। एक्स इज एन इवन प्राइम इंटीजर, ये सिंगलटन बनेगा, मैंने आपको करा दिया था, तो आप इसे कर लीजिएगा, 2 आएगा इसमें। नंबर 4 डी, देखिए एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर। देखिए ध्यान देंगे, एक्स इज लेस देन 8 एंड साइमल्टेनियसली लिख दिया अब इसने यहाँ। साइमल्टेनियसली का मतलब है दो शर्तें एक साथ पूरा करना। एक्स नेचुरल है, 8 से छोटा है और साथ साथ 12 से बड़ा है। देखिए अगर जिन बच्चों को नंबर लाइन में दिक्कत आती है, वो अपना एक नंबर समझने में दिक्कत आती है, वो अपनी एक नंबर लाइन बना लिया कीजिए, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, ऐसा नेचुरल जो 8 से तो छोटा है भाई, 8 से तो नीचे हो, 12 से बड़ा हो और दोनों शर्तें पूरी करता हो। मिल सकता है क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है भाई, 8 से भी छोटा भी हो और 12 से बड़ा भी हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है तो ये कैसा सेट बन जाएगा बच्चों, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4, दिस इज द सेट ई एक्स एक्स स्क्वेयर। देखिए सभी सेट आपको बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, अगर बिल्डर में नहीं दे रखे होंगे तो आपको डायरेक्टली ना पता लग जाएगा कि वो एम्प्टी है या सिंगलटन है। तो इससे आपको एक तो प्रैक्टिस होती है बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करने की, और दूसरा आपको ये पता लग जाएगा कि विच टाइप ऑफ सेट इज दिस। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो पहले आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। हम इसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है अभी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और इससे क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इससे हमारी दो वैल्यूज आएंगी, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज माइनस 1 और एक्स इज माइनस 1। एक्स के दो सॉल्यूशन आए हैं माइनस 1 दोनों ही, और हमें वो सॉल्यूशन चाहिए जो नेचुरल है, लेकिन माइनस 1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये जो ई सेट बनेगा ये भी हमारा कैसा सेट बनेगा भाई, एम्प्टी सेट। गॉट इट। ये आपका एग्जांपल नंबर 4 था।
और इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होगा। आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में या इससे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा देखिए, शुरू में जब भी हम कोई नया चैप्टर करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, एंड आई ऑलवेज टेक टाइम, क्योंकि जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा, जल्दबाजी में आप करिएगा, बेस क्लियर नहीं होगा, नींव अच्छी नहीं होगी, तो बिल्डिंग भी अच्छी नहीं बनती है, समझे। तो अब ये फिफ्थ एग्जाम्पल है, स्टेट वेदर फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इन्हें और हम देख लेते हैं अभी, वेट ए मिनट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। नाम नहीं दिया हुआ है, बुक आप अपने पास रखिएगा, नेमिंग नहीं है, तो आई विल गिव देम नेम ऑल्सो। ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x-1 = 0। इसका सॉल्यूशन आप कीजिए पहले, 2x-1 = 0, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, विच इज नॉट नेचुरल, ये कहता है नेचुरल नंबर और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो इसको जो सेटिस्फाई कर रहा है भाई वो 1/2 है, और 1/2 नेचुरल नहीं है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है। बट अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ये एम्प्टी है, क्वेश्चन ये है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। एम्प्टी का मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 0, तो ये कैसे गिने जा सकते हैं, तो भाई ये कैसा सेट हो गया बच्चों, फाइनाइट सेट हो गया। गॉट इट। पार्ट 2, बी नाम दे दीजिए सेट को, एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम, नेचुरल भी हो और प्राइम भी हो, प्राइम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड डैश 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 डैश, क्या आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, नो, देन विच टाइप ऑफ सेट इज दिस, इनफाइनाइट्स, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा, वहाँ क्या है, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ओड, तो ओड भी आपके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। और नंबर 4 पे हमारा आ जाता है c, आई विल गिव इट एज c नेम, x, x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वेयर इज 36, ये समझिएगा। देखिए जब भी ऐसी कोई कंडीशन दी है तो आपको दोनों को सॉल्व करना है, x z को, यानी इंटीजर, भाई इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और वो नंबर जिनका स्क्वेयर 36 है, आप या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आपको वर्बली भी याद होगा कि किसका स्क्वेयर 36 होता है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो यू टेक स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ±6 आ जाएगी, तो ये सेट क्या बनेगा, -6 और +6, काउंट हो सकते हैं, काउंट हो सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, फाइनाइट्स। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर वे से भी बता देती हूँ कि कैसे आपने लिखना है, तो इसे हम नेम दे देते हैं फिफ्थ पार्ट को, डी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज ग्रेटर देन -10, क्लियर। ये देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जिन बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं है वो एक लाइन बना लिया कीजिए, जिसे हम कहते हैं नंबर लाइन। ये देखिए, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, ये हमारा -10, -9, -8 और 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो, ओके, -7, -6, -5, -4, 3, 2, 1। नाउ क्वेश्चन अराइज, x इज ग्रेटर देन -10, ये -10 है और x इससे बड़ा है, बड़े के लिए बेटा ऑलवेज हम राइट में जाते हैं, छोटे के लिए हम ऑलवेज लेफ्ट में, तो -10 से बड़े इंटीजर ये सब, एंड दिस इज एंडलेस, तो आप यहाँ लिखिए, शुरू कर दीजिए, -10 से बड़ा -9, -8, -7, -6, -5 डैश डैश डैश, तो आप लिखिए दिस सेट कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ओके, हैंस इट इज एन इनफाइनाइट सेट, ये है प्रॉपर तरीका इसे लिखने का।
नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट, नेम इट एज ई एक्स. एक्स इज ए रियल नंबर एंड जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन वन. ये बड़ा समझने का है. समझने की तो देखिए सारी ही चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बड़ी डेप्थ है जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. ये चैप्टर दिखने में ही इजी लगता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस चैप्टर में. जीरो वन टू ये नंबर लाइन बनाई मैंने. जीरो और वन के बीच आने वाले रियल्स, एक्स एक रियल नंबर है. रियल्स आपके लिए अननोन नहीं है. आप नाइन्थ और टेंथ में आपके चैप्टर आ जाते हैं रियल नंबर्स के लिए, तो वो आ जाते हैं. तो उनमें रियल का मतलब रैशनल्स इरेशनल्स बोथ. तो हमने ये देखा था कि नाइन्थ और टेंथ में कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स और इनफाइनाइट इरेशनल्स होते हैं, और हम उन्हें लिख तक भी नहीं सकते कि जीरो से जस्ट नेक्स्ट क्या आएगा. इन्हें लिखने का तरीका अभी हम सेट में ही आगे सीखेंगे कि हाउ टू राइट नंबर्स बिटवीन रियल नंबर्स बिटवीन जीरो एंड वन. तो आप यहाँ सिर्फ लैंग्वेज लिख दीजिए कि बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन जीरो एंड वन, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट. गॉट इट? एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर फाइव. नेम इट एज एफ. इसको इन्होंने सेट ही नहीं लिख रखा है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख रखा है. द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, सर्कल्स वृत्त जो कि पास कर रहे हैं ओरिजिन यानी जीरो जीरो से. देखिए एक छोटा सा स्केच बना लेते हैं, छोटा सा एक डायग्राम सा. ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम है भाई हमारा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है अपना मूल बिंदु जिसे हिंदी में बोलते हैं. और ये कह रहा है कि और जीरो जीरो से पास करने वाले जितने सर्कल है सारे बताओ, कितने सर्कल हैं, उनका कितना सेट बन सकता है. भाई आपको क्या लगता है यहाँ से कितने सर्कल जा सकते हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात भाई आठ, ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ से. मीन्स इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं. तो दिस सेट इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट. अब क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट सर्कल्स कैन, बस कैन पास थ्रू जीरो जीरो, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट. तो ये छोटी सी डिटेल थी टाइप्स ऑफ सेट और उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स की. थोड़ा हमारा इक्वल और इक्विवेलेंट सेट और रह गया है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.